देश भर में लेस कैश अर्थव्यवस्था का माहौल तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने क्रिसमस के दिन लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना की शुरुआत कर लोगों को बेहतरीन तोहफा प्रदान किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है, ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग, खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का इस्तेमाल कर सकें। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार आधारित भुगतान सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास कार्ड या मोबाइल फोन नहीं है। आधार बेस्ड पेमेंट का ये तो उस वर्ग के लिए है जिसके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना मोबाइल फोन है। उसको सिर्फ अपना एक अंगूठा चाहिए, वो व्यक्ति स्वयं की पहचान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 36 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है और सब्सिडी भुगतान में होने वाली गड़बड़ियों को रोककर 36,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। देश के 36 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़े हुए हैं और हमने गैस का सब्सिडी उनको दिया, बाकी दिया। अभी तक हम 36,000 करोड़ रुपया बचा चुके हैं विभिन्न योजनाओं में जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो डिजिटल पेमेंट भारत को दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत बनाने का अभियान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिनों तक रोजाना 15,000 भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को साप्ताहिक 1,00,000, 10,000 और 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उपभोक्ताओं को 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। वहीं ऑनलाइन लेन देन अपनाने वाले व्यापारियों के लिए हर हफ्ते 50,000, 5,000 और 2,500 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। अगले साल 14 अप्रैल को ही डिजिटल लेन देन के लिए व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख रुपए के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इन सारी योजनाओं को लागू करेगा। इस योजना में वही लोग इनाम के हकदार हैं जो रुपे कार्ड, USSD, UPI और आधार के जरिए लेन देन करेंगे। समाज के सभी वर्गों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए दोनों योजनाओं में 50 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को शामिल किया गया है। दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत करीब 340 करोड़ रुपए आएगी। विजेताओं की घोषणा एक रैंडम ड्रॉ द्वारा की जाएगी। इन दोनों योजनाओं से ये साफ हो गया है कि सरकार देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आने के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अरुण शर्मा, DD News।